सो हाय गाइस, मेरा नाम अनिकेत बसवानी है और मैं शेर खान का सब ब्रोकर हूँ। मेरे को स्टॉक मार्केट में 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक टाइम पे सिर्फ इतना पागल हो चुका था कि सिर्फ चार्ट्स देख देख के मैंने इतना सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है ना कि मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ कि अगर मैं ये सब नहीं करता तो मुझे स्टॉक मार्केट की रियलिटी ही पता नहीं चलती कि स्टॉक मार्केट में 5% लोग ही क्यों कमा पाते हैं और 95% ऑफ लोग हारते क्यों हैं, हर बार क्यों हारते हैं। वो रीजन ये है कि वो सट्टा खेल रहे हैं, वो क्लियर सट्टा खेल रहे हैं। उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है कि सट्टा नहीं खेलना है स्टॉक मार्केट में अगर कमाना है। और जो 5% जो कमा रहे हैं उसमें से मैं आपको बता दूं, ज्यादातर तो हेज फंड्स वाले होते हैं जो एकदम बाय भी करके रखते हैं, सेल भी करके रखते हैं और कुछ ऐसे उनका अलग ही कैलकुलेशन होता है जिसकी वजह से वो लोग प्रॉफिट में निकलते हैं, उनका रिस्क भी काफी कम होता है। लेकिन उनके अमाउंट्स इतने बड़े होते हैं क्योंकि वो हेज फंड्स वाले हैं तो सबके फंड्स मैनेज करते हैं, सबके फंड्स इकट्ठे मैनेज करते हैं, तो इतना ज्यादा अमाउंट हो जाता है कि वो मार्केट को मूव कर देते हैं। सिमिलरली ये लाइफ इंश्योरेंस वाले, अलग अलग कंपनीज, ये सब इतने बड़े बड़े फंड्स ऐड करती है कि वो मार्केट को मूव कर जाती है। उसके बाद 5% ऑफ ट्रेडर्स अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट विदाउट एनी हेजिटेशन। अब वो इसलिए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रहा है, उनको नॉलेज है कि 95% ऑफ लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने क्या सोचा होगा और हमको वैसा नहीं सोचना है, हमको उसका अपोजिट सोचना है, तभी हम अर्न कर पाएंगे। अब इसमें डीपली मैं आपको भी नहीं समझाऊंगा कि ऑपरेटर वगैरह के साथ अपन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑपरेटर जब ट्रेड करता है तब अपन ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ऑपरेटर मतलब जिसके पास बड़ा फंड है, क्योंकि अगर वो बाय कर रहा है तो हमको समझदारी से बाय करके घुस जाना चाहिए, क्योंकि वो बाय कर रहा है बड़े बड़े फंड्स तो प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाने वाला है क्योंकि डिमांड क्रिएट होगी। तो स्टॉक मार्केट यही है कि जितनी ज्यादा डिमांड होती है स्टॉक की उतना ज्यादा उसका प्राइस ऊपर जाता है और जितनी कम डिमांड होती है उतना ऊपर से नीचे आता है, और जितना फास्ट डिमांड होगी उतना फास्ट ऊपर जाएगा, जितना फास्ट डिक्रीज हो रही होगी डिमांड उतना फास्ट वो स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। सो ये तो हम डीपली बाद में सीखेंगे कि ऑपरेटर जैसे काम कैसे करना चाहिए, ऑपरेटर जब पकड़ता है या बेचता है तो हमको भी कैसे उसके साथ घुसना चाहिए। वो तो टेक्निकल है पूरा, चार्ट देख के बहुत ही डीप नॉलेज, डीप एनालिसिस करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा ये सब। मेरे को तो ख्याल आ चुका है थोड़ा बहुत, और मैं आपको भी ये सब शेयर करूंगा नॉलेज अपनी। मैं अपनी नॉलेज पे कभी भी घमंड नहीं रखता क्योंकि मैं भी अभी तक सीख ही रहा हूँ, आई एम ऑल्सो अ लर्नर, मेरे को अभी तक कुछ एकदम कंप्लीट नॉलेज नहीं है, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आई हैव नोन दैट स्टॉक मार्केट की दो फेजेस है, एक फेज 95% लूजर्स, एक फेज में 5% विनर्स। सो स्टॉक मार्केट है क्या, बैक टू द पॉइंट, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स अलग अलग वैल्यूज पे ट्रेड करते हैं, वैल्यूज यानी प्राइस पे, और ट्रेड का मतलब होता है बाय और सेल। अब आप खुद सोचो कि मेरे पास ये घड़ी है, ये घड़ी, और मेरे सामने तीन लोग खड़े हैं, तीन लोग बोल रहे हैं कि ये 10 रुपीज में मैंने बेचने रखी है, 10 रुपीज में, तो इसकी प्राइस क्या हुई, 10 रुपीज। वो बोल रहा है मैं खरीदूंगा 11 रुपए में भी खरीदूंगा, तो मैंने इसका प्राइस बढ़ा दिया 11 रुपए ताकि अगर कोई इससे ऊपर खरीदने वाला हो तो वो भी आए। अब दूसरा आके बोल रहा है 12 रुपए में खरीदूंगा, मेरे को घड़ियाल अच्छी लगती है, तो मैंने इसका प्राइस रख दिया 12 रुपए ताकि कोई 13 रुपए वाला हो तो वो भी खरीदने आ जाए, तो अब 13 वाला भी आ गया, तो उसमें क्या हो रहा है, मेरी घड़ियाल की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। वैसे ही स्टॉक मार्केट काम करता है कि अगर डिमांड ज्यादा हो रही है खरीदारी की तो प्राइस ऊपर जाएगा, और सिमिलरली लोग अगर घड़ियाल बेचने निकल गए, मेरी घड़ियाल खरीद के वापस बेचने निकल गए मार्केट में, तो डिमांड नीचे आ जाएगी, प्राइस 10 रुपए से 5 रुपए तक गिर जाएगा। सो इतना इजीली काम करता है स्टॉक मार्केट, कुछ भी डीप नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको जिन लोगों को लॉस हुआ है या जो लोग अभी अभी जस्ट एकदम बिगिनर है, कोई मूवी वूवी देख के आपको इंटरेस्ट चढ़ा है स्टॉक मार्केट में घुसने का, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन अब मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस, FNO, ये सब बहुत रिस्की है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसको रिवॉर्ड्स अच्छे मिलते हैं जो टेक्निकली एक्सपर्ट होता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है। तो अभी आपको तो इन सब चीज़ों में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और स्विंग्स पे फोकस कीजिए, वही आपको पैसा बना के दे सकता है क्योंकि वो कम रिस्की होता है। अब रिस्क से याद आया कि चलो स्टॉक मार्केट को डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी होती है एकदम सेफ प्लेयर्स, एकदम सेफ, जिनको रिस्क नहीं चाहिए और उनको देखते भी नहीं रहना स्टॉक मार्केट को, रख के छोड़ देना है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 1 साल से ऊपर ही आता है, 1 साल के पहले वाले को लॉन्ग टर्म नहीं बोलते, 1 साल से ऊपर जिसको होल्ड करके रखना है, और उसमें भी सबसे ज्यादा सेफ रखना है,
तो म्यूचुअल फंड्स SIPs वगैरह में इन्वेस्ट करके रख सकता है। अब उसमें आता है थोड़ा सा कम सेफ, लेकिन खुद के ऊपर, खुद के डिपेंडेंट्स पे, इंडिपेंडेंट होके, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा एक साल के ऊपर की, लेकिन खुद के दिमाग से बाय करेगा स्टॉक्स, खुद के हिसाब से जितना इन्वेस्टमेंट लगाना होगा लगाएगा। अब उसमें आता है उससे भी थोड़ा कम सेफ, वो करेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म में आता है कुछ मंथ्स, एक मंथ, दो मंथ या चार पांच हफ्ते, वो शॉर्ट टर्म आता है। शॉर्ट टर्म में कभी कभी चार पांच मंथ्स भी गिन सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म आता है। उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है। अगर FD से तो अच्छा रिटर्न देता ही है स्टॉक मार्केट, अगर आपको सही से इन्वेस्टमेंट करने आ जाता है। मैं तो बोलता हूँ इसमें दिमाग लगाने जैसा भी नहीं है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आप बस खाली टॉप 10 कंपनीज पकड़ लो इंडिया की, बाय करके छोड़ दो, एक साल के अंदर आपको FD से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। नहीं समझ आती है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा आगे चल के। सो अभी हम पॉइंट ये बात कर रहे थे, चलो शॉर्ट टर्म वाले। अब शॉर्ट टर्म के बाद आते हैं उससे भी थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने वाले, वो आते हैं स्विंग ट्रेड्स, या तो कुछ हफ्ते तक होल्ड करने वाले। स्विंग ट्रेड्स जाने कुछ दिनों तक और कुछ हफ्तों तक, उनको कह रहे हैं स्विंग ट्रेड्स, उसमें रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, या तो फिर बाय टुडे सेल टुमारो, आज लिया कल बेचा, या आज बेचा कल लिया। आपको ये पता नहीं होगी स्टॉक मार्केट में कि आप सेल करके, आपके पास बाय किए हुए नहीं होंगे तो भी आप सेल करके प्रॉफिट कर सकते हो, कि प्राइस नीचे जाएगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे में होता है और फ्यूचर्स में होता है। फ्यूचर्स में आपको अभी बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनको ही करना चाहिए, जिनको पेशेंस हैंडल करने आता है उनको ही फ्यूचर्स में घुसना चाहिए। और बाकी इंट्राडे में कैश मार्केट में, यानी इक्विटी मार्केट में आप सेल करके, इंट्राडे का मतलब मैंने आपको नहीं समझाया, इंट्राडे का मतलब होता है कि उसी दिन पोजीशन लेके उसी दिन पोजीशन एग्जिट कर लेना, उसको इंट्राडे कहते हैं, प्योर इंट्राडे। ऐसे भी प्योर इंट्राडे वाले होते हैं, लेकिन इंट्राडे में रिस्क काफी ज्यादा होती है। स्विंग ट्रेड अगर 10-20% रिस्की है, तो इंट्राडे डायरेक्ट 60-70% रिस्की है, बट इंट्राडे में प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि आप, ये तो बेसिक रूल है यार, रिस्क ज्यादा यानी रिवॉर्ड भी ज्यादा। अब इंट्राडे में रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा, और रिवॉर्ड ज्यादा क्यों है, क्योंकि लेवरेज मिलती है, मार्जिन मिलता है। आपके पास फंड्स की कमी है तो भी आप एक्स्ट्रा फंड्स अपने ब्रोकर से लेके ट्रेड कर सकते हो। अभी करंटली सेबी ने तो वैसे मार्जिन डिक्रीज कर दिए, लेकिन करंटली 10 times मार्जिन चल रहा है, कि आपके पास 10,000 rupees है तो आप 1 lakh rupees का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सिर्फ इंट्राडे के लिए। इंट्राडे से ज्यादा आपको होल्ड करना है तो आपको पूरा का पूरा अपफ्रंट मार्जिन भरना पड़ेगा जितना आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है। इंट्राडे करना है तो आपको 10 times मार्जिन मिलेगा, यानी 10,000 इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो आप 1 lakh rupees का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सिर्फ इंट्राडे के लिए। आपको उसी दिन पोजीशन उसी दिन एग्जिट करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर। सो अब कैसे करें इंट्राडे, कैसे करें? बिगिनर बिल्कुल मत करो इंट्राडे, इंट्राडे बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। बिगिनर्स को स्विंग ट्रेड्स, अगर रिस्क लेने का इतना शौक है ही तो स्विंग ट्रेड्स करो, शॉर्ट टर्म करो, इंट्राडे बिल्कुल मत करो। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो स्विंग ट्रेड्स में, शॉर्ट टर्म में। फिर टेक्निकली जब चार्ट्स रीड करना आ जाए आपको, फंडामेंटल अच्छे से रीड करने आ जाए आपको, शॉर्ट टर्म में आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर इंट्राडे में घुसो। इंट्राडे में फंडामेंटल्स बिल्कुल काम नहीं करते, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स, ये प्रॉफिट एंड लॉसेस बिल्कुल काम नहीं करते इंट्राडे में। इंट्राडे में सिर्फ काम करता है तो सिर्फ एक चीज काम करती है, वो प्राइस एक्शन, चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस, सिर्फ ये चीज काम करेगी इंट्राडे में। टेक्निकल एनालिसिस से याद है, अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक मैं पूरा बनाने वाला हूँ, पूरा प्लेलिस्ट बनेगी एक टेक्निकल एनालिसिस पे, जिसमें मैं कैंडलस्टिक सिखाऊंगा, पैटर्न सिखाऊंगा, चार्ट सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा डीप में, इंडिकेटर सिखाऊंगा, RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। अब स्टॉक मार्केट की एक डीप में आपको बात बताऊंगा, स्टॉक मार्केट में कभी भी फंडामेंटल्स के भरोसे इन्वेस्टमेंट मत करो, सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करो। अब मैं आपको बताता हूँ, येस बैंक देखो आप, येस बैंक के फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी उनका ठीक ठाक है, तो स्टॉक का प्राइस नीचे क्यों है? क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, डिमांड काफी हाईली डिक्रीज हो रही थी बैड न्यूज की वजह से, यानी इसमें फंडामेंटल्स कोई काम नहीं करते, इसमें न्यूज और डिमांड और सप्लाई काम करता है इन्वेस्टमेंट में भी। सिर्फ नाम कंपनी का जैसा होता है ना वैसा उसका प्राइस होता है। देखो रिलायंस जियो आजकल हर घर में, तो उसका प्राइस भी देखो 2,000 rupees पे। रिलायंस जियो नहीं था तब वो 700 rupees पे ट्रेड करता था, अगर 700 पे
जब जियो की न्यूज आई थी तब 800 के आसपास चल रहा था स्टॉक प्राइस, तब आपने अगर बाय कर लिया होता तो कुछ 1.5 साल के अंदर आपके पैसे डबल हो जाते, 10 लाख लगाए होते 20 लाख हो जाते 1.5 साल के अंदर में। सो इसमें फंडामेंटल्स काम नहीं करते, सिर्फ न्यूज, डिमांड और सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी डिमांड और सप्लाई, ये काम करता है बस। सो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर तो हम पूरी वीडियो बनाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट बनने वाला है। ये मेरा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है बिगिनर्स के लिए, एकदम कंप्लीट बिगिनर्स के लिए। टेक्निकल एनालिसिस में हम एकदम डीप में जाएंगे, मेरे को जो 3 साल में एक्सपीरियंस हुआ है वो सब का सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चार्ट कैसे रीड करते हैं, सब कैसे करते हैं। और जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनमें से मेरे को कोई स्मार्ट स्मार्ट लगेगा कि जो अच्छा स्टडी अप कर रहे हैं मेरे साथ, अच्छा कवर कर रहे हैं मेरी जो मैं टीच कर रहा हूँ आपको, तो उनको मैं अपने ग्रुप्स में भी ऐड करूँगा, जिस कम्युनिटी ग्रुप्स में, जिसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स होंगे, सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स, जो लोग एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करके, एक्सपीरियंस शेयर करके, नॉलेज शेयर करके साथ में मिलकर कमा सकते हैं। सो जस्ट एज सिंपल एज दैट, अब अपन कल से नहीं, नेक्स्ट टाइम से चालू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक फंडामेंटल्स की वीडियो भी दूंगा, क्योंकि फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स भी आपको आना चाहिए, न्यूज़ कैसे ट्रेड करना है, डिमांड सप्लाई पे कैसे ट्रेड करना है, वो सब आपको आना चाहिए। सो बस इतना ही था आज के लिए, मैं निकित बसवानी और शेर खान का सब ब्रोकर, अब मैं अगले टाइम से आपको एकदम डीप में स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे कमाना है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। सो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। सो सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज ऑफ योर फ्रेंड्स हु थिंक और हु आर इंटरेस्टेड टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट बट वॉन्ट टू प्ले सेफ। ऐसे ही घुस जाओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ नीचे जाओगे, जीरो पे जाओगे। हाँ, अगर आपके ऊपर शनि महाराज की अच्छी खासी कृपा है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है कभी किसी के साथ, हर कोई गिरता ही है, फिर गिर के संभलता है। बट गिरना ही क्यों है अगर आप पहले से किसी संभले हुए के साथ जुड़ जाओ, राइट? सो मिलते हैं अगली वीडियो में फंडामेंटल्स को लेके, फिर उसके बाद टेक्निकल्स को लेके, अपनी जर्नी चालू होती है आज से। बाय बाय।